हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर विशाल कुमार, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीटी कैंपस, एमजीकेवीपी, वाराणसी। टुडे आई डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ बुक्स रिकमेंडेड फॉर बीएससीएजी, एफएससीएजी, आईसीआर, नेट, एसआरएफ। यानी कि जो भी स्टूडेंट बीएससीएजी कर रहे हैं या एमएससीएजी कर रहे हैं या फिर आईसीआर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन्हें एसआरएफ का एग्जाम देना है, उसका प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए जो है इकोनॉमी की बुक, इकोनॉमी ब्रांच से अगर उनको करनी है तो इकोनॉमी की इतनी सारी बुकें हैं। इसमें से मैं बताऊंगा कि बीएससीएजी के लिए कौन कौन सी बुकें जरूरी है, एमएससीएजी की कौन कौन सी बुकें जरूरी है और आईसीआर नेट एसआरएफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बीएससीएजी, बीएससीएजी के लिए जो है बीएससीएजी जो है 4 साल का होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी के सब्जेक्ट होते हैं जो एक बुक से हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए कई बुकें की जरूरत पड़ती है बुक्स की। पहला देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड, यह जो बुक है ये अरुण कत्यायन की है। इससे अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं वो मैथ बैकग्राउंड से हैं, इंटरमीडिएट उनका मैथ से है या फिर बायो से है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले वो जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक ले लें, वॉल्यूम फर्स्ट और सेकेंड। वॉल्यूम फर्स्ट में जो है एग्रोनॉमी की सभी विषय आ जाएंगी, बाकी वॉल्यूम सेकेंड में जो है जितनी भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, क्रॉप की फिजियोलॉजी, उससे रिलेटेड वॉल्यूम सेकेंड में आएगी। तो इसलिए आप दोनों जो है वॉल्यूम फर्स्ट और सेकेंड दोनों अरुण कत्यायन की बुक ले सकते हैं। नंबर सेकेंड बुक है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी जो है रेड्डी एंड रेड्डी या फिर एसआर रेड्डी, इन दोनों में से कोई भी लेखक का आप ले लेंगे बुक तो पर्याप्त रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी में सब लेना चाहते हैं तो हिंदी की एक बुक है सस्य विज्ञान के सिद्धांत। तो सस्य विज्ञान के सिद्धांत जो बुक है यह ए के त्रिपाठी ने इसको लिखा है, तो इसमें भी सिलेबस के हिसाब से जो है आपको बहुत सारे टॉपिक जो है ऑलमोस्ट 80-90% जो है मिल जाएंगे आपको। इसके बाद बीएससीएजी के लिए तीन तो ये जरूरी है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आता है वीड मैनेजमेंट। बीएससीएजी में जो है थर्ड ईयर में आप लोग जाएंगे तो वीड मैनेजमेंट की बुक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यूएस वालिया या टीके दास, इन दोनों की बुक जो है आप ले सकते हैं। इसमें से कोई भी बुक रहेगी तो पर्याप्त है। इसके बाद जो है बीएससीएजी के लिए जो है ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन वॉल्यूम फर्स्ट, बीएससीएजी में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट एक है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बुक जरूरी है, तो उसके लिए नंबर 7 पे ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन वॉल्यूम फर्स्ट है, ये जग पॉल शर्मा ने लिखा है, इसको जो है ये आप ले सकते हैं। इसके बाद फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, बीएससीएजी जब आप थर्ड सेम में जाएंगे या फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको इकोनॉमी में जो है क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्रॉप प्रोडक्शन की बुक के लिए जो है फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों जो है राजेंद्र प्रसाद की ले सकते हैं या फिर चिड्ढा सिंह की। चिड्ढा सिंह की बुक है राइजिंग फील्ड क्रॉप करके है, तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सब्जेक्ट है रैनफेड फार्मिंग का, तो इसके लिए अलग से बुक जो है ले सकते हैं, एमएल जाट इसको लिखे हैं रैनफेड फार्मिंग के लिए। इसके बाद बीएससीएजी में लास्ट जो है बुक वो न्यूमेरिकल इकोनॉमी की है। देखिए, न्यूमेरिकल इकोनॉमी ऐसा बुक है जो बीएससीएजी, एमएससीएजी या आईसीआर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआरएफ का, सभी के लिए जो जरूरी है, तो ये इसको जो है अभिजीत शर्मा ने लिखा है या फिर अमित भटनागर, इन दोनों लेखकों में से कोई भी राइटर मिल जाएगा न्यूमेरिकल इकोनॉमी का, तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉयल साइंस है, इसको भी आप बीएससी में पढ़ सकते हैं, एमएससी वालों के लिए भी ठीक है और पीएचडी के लिए भी है और साथ में आईसीआर नेट एसआरएफ के लिए। ठीक है, इसमें से अभी जो मैंने बुक बताया वो बीएससीएजी के लिए पर्याप्त है, बाकी जो सब्जेक्ट अगर कोई एमएससी एजी करना चाह रहा है इकोनॉमी से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, इतनी सारी बुकें जो है जरूरी है। अगर वो एमएससी अच्छे से करना चाह रहा है तो इतनी बुकें अगर वो रीड करेगा, पढ़ेगा, तो आईसीआर एमएससी के बाद जो है नेट का एग्जाम वो आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, एसआरएफ जो है, एसआरएफ होता है पीएचडी में एडमिशन के लिए आईसीआर के थ्रू,
उसके लिए भी जो है ये सारी बुकें जरूर पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, MSCAG जो करना चाह रहा है उसको बाकी BCAG तो पढ़नी ही पड़नी है, साथ में जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बुक है एक ICAR से भी निकली है, इसमें इसके भी राइटर जो है राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तो इसमें बहुत सारी जो है किस जितने भी न्यूट्रंट्स हैं आपके, चाहे वो बेसिक हो, मैक्रो हो, माइक्रो है, माइक्रो न्यूट्रंट्स हो, सभी की इसमें डिटेल से दी गई है जानकारी, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रंट मैनेजमेंट फिल क्रॉप प्रोडक्शन वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है, तो अगर राजेंद्र प्रसाद की आप लेते हैं तो MSc के लिए बढ़िया है, नेट के लिए ठीक है, SRF के लिए भी ठीक है, बाकी BCAG के जो है वो इसको चिड्डा सिंह का ले सकते हैं बुक, ठीक। चिड्डा BCAG के लिए जो है चिड्डा सिंह की बुक अच्छी है। इसके बाद अगर MSCAG कर रहे हैं इकोनॉमी से तो इरिगेशन इकोनॉमी की बुक है SR रेड्डी की, तो इरिगेशन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट में जो जिसके लिए जो है इरिगेशन इकोनॉमी की बुक पढ़नी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सॉयल साइंस, देखिए इकोनॉमी जो है इकोनॉमी में क्या है कि सॉयल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन इकोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तो सॉयल साइंस की बुक जो है DK दास की बुक है बहुत अच्छी है, इसको आप जो है रीड कर सकते हैं। अगर SRF का दे रहे हैं तो SRF में क्या है कि जो पैटर्न आता है कभी कभी जो सॉयल साइंस से काफी पोर्शन आ जाते हैं जिसके लिए जो है जरूरी है इकोनॉमी के जितने भी ब्रांच के हैं, इकोनॉमी ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो SRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है सॉयल साइंस की बुक जरूरी है, ठीक है। तो सॉयल साइंस के DK दास की अच्छी बुक है, तो ये सभी जो है बुक चाहे वो अगर BCAG कर रहे हैं तो इसमें से चार पांच ऐसी बुकें हैं जिसको मैंने बताया है शुरुआत में उसको ले सकते हैं, बाकी MSCAG अगर कर रहे हैं इकोनॉमी से उनके लिए सभी बुकें जो है जरूरी है, साथ ही साथ ICAR नेट, SRF, इन सभी की बुकें, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए बुक जरूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बुकें जो है पर्याप्त है अगर वो इकोनॉमी फील्ड से है, BCAG करना चाह रहा है, MSCAG करना चाह रहा है या फिर ICAR नेट का जो है एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।